हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हमने पहले भी एक क्लास अपलोड की है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया है। और आज जो हम प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स लेकर के आए हैं, जिसमें आप प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उन सभी को आप समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन के हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था इसके पहले वाली क्लास में कि जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पर यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन के टाइप्स जितने भी होते हैं, काइंड्स, इनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। इसके बाद हम जो आज डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड रूल्स, ठीक है, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें जरूरी है, किन चीजों पर हमें विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, किन चीजों को हमें विशेष रूप से समझना चाहिए, तो वे सारी चीजें हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सामान्य तौर पर रूल नंबर फर्स्ट, सामान्य तौर पर सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है, जिससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, जिससे सेंटेंस की क्या होती है, शुरुआत होती है। अर्थात सेंटेंस की शुरुआत में हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। और क्या बात की अगली, कि जबकि ऑब्जेक्टिव केस में हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का हो जाएगा मी, V का हो जाएगा अज, U का हो जाएगा यू, दे के लिए यूज़ करेंगे देम, ही का यूज़ करेंगे हिम, शी के लिए यूज़ करेंगे हर, इट के लिए यूज़ करेंगे इट। बात समझ में आई, अर्थात सेंटेंस के शुरू में अगर सब्जेक्ट की जगह पर मैं, मेरे, मुझे की आवश्यकता हो रही है तो मैं आई का यूज़ करूँगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं, मेरे, मुझे की आवश्यकता हो रही है तो मी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अर्थ सभी का वही समान होता है। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं कि मैंने ठीक है समझते हैं कि मुझे काम है वह मुझे जानता है, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि मुझे काम है, तो मुझे काम है के लिए हम बोलते हैं कि आई हैव वर्क, और जब हमें कहना होता है कि वह मुझे जानता है तो हम लिखते हैं ही नोज मी। अब आप इसे अगर बारीकी से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि एक जगह मैंने मुझे के लिए क्या लिखा, मुझे के लिए मैंने लिखा आई, जबकि दूसरी जगह पर मैंने मुझे के लिए क्या लिखा, मी। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, और सब्जेक्ट के लिए हमने क्या पढ़ा है कि हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का। तो हमारे लिए सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ने, मीट है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हम इनका प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पर इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ मुझे के लिए हमने क्या यूज़ किया, आई हैव वर्क, तो आई होगा, और इधर ऑब्जेक्ट में मुझे आ रहा है तो हमने मी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। रूल नंबर दो देखते हैं, लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। किसके बाद, लेट तथा प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो लेट अर्थात लेट को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वर्ब के बाद, किसके बाद, वर्ब के बाद तथा प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद तथा प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है। अब कोई सी भी वर्ब क्या है कि लेट वी गो, अब ये वो एक वर्ब है, ठीक है, यह एक क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस। हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तथा वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अज होता है। अर्थात ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद हमें यूज किसका करना है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो बताइए कि वी आएगा कि अज आएगा, तो आना क्या चाहिए यहां पर, अज आना चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लेट के बाद इन्होंने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक इसी तरीके से प्रीपोजिशन। सर ये प्रीपोजिशन क्या होती है, देखिए प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों की पोजिशन को बताते हैं। जैसे कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आपके सामने हूँ, तो आपके सामने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ,
क्या यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, इन फ्रंट बिसाइड मीन्स होता है के बाजू में, इन मीन्स होता है के अंदर, ऑन मीन्स होता है के ऊपर, बिफोर मीन्स होता है के पहले, आफ्टर मीन्स होता है के बाद में, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। अर्थात ये सारी जिन बातों की, जिन वर्ड्स का हम बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्री पोजिशन। और प्री पोजिशन के बाद, प्री पोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। सर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? अरे भैया यही जो हम बात कर रहे हैं, आई की जगह मी यूज करेंगे, वी की जगह अस यूज करेंगे, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समान होता है, दे की जगह पर हम यूज करेंगे देम, ही की जगह यूज करेंगे हिम, शी के लिए यूज करेंगे हर, और इट के लिए हम यूज करेंगे इट। बात समझ में आ गई? तो ये सारे सब्जेक्टिव हैं और ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब हम यहां पर बात करते हैं, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि ही कम्स स्कूल विथ। अब बताइए मुझे कि यहां पर मैं आई यूज करूं या मी यूज करूं? ये जो विथ है वह एक प्री पोजिशन है, विथ जो है वह एक प्री पोजिशन है। तो मुझे बताइए कि विथ के बाद मैं आई का यूज करूं या फिर मी का यूज करूं? तो क्या कहा है हमने कि प्री पोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, तथा आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है और मी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमें विथ के बाद किसका यूज करना है? विथ के बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस का। किसका यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहां पर ये जो मी है ये क्या हो गया हमारे लिए? एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इसलिए हम यहां पर मी का यूज करेंगे। With के बाद किसका यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है एज, देन के बाद, एज तथा देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए ये एक इस ये रूल जो है इसको ऐसा कैसा भी नहीं हम रट सकते। क्यों नहीं रट सकते? देखेंगे, इसको समझेंगे। आई एम बेटर, मैं बढ़िया हूं, ठीक है, देन हिम उससे, ठीक है। इस वैसे तो ये सब्जेक्ट एग्जाम्पल गलत है। गलत क्यों है सर? आई एम बेटर देन, अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं, ठीक है। तो आई एम बेटर देन हिम एक एग्जाम्पल वाली बात है कि आई एम बेटर देन हिम, मैं बढ़िया हूं, किससे बढ़िया हूं? हूं उससे। तो देखिए कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, अर्थात मैं अगर सब्जेक्ट हूं तो दो सब्जेक्ट के बीच में ही कंपेरिजन होगा या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन होगा। अगर कंपेरिजन, अगर हम तुलना दो सब्जेक्ट की कर रहे हैं तो अर्थात दोनों सब्जेक्ट हुए हैं, और अगर दोनों सब्जेक्ट हुए तो ऐसी स्थिति में अगर आई सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है और उससे तुलना की जा रही है तो यहां पर वह भी सब्जेक्टिव केस में होगा, अर्थात हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? ही है। तो यहां पर करेक्ट क्या होगा? ही होगा। क्या होगा? आई एम बेटर देन ही नॉट हिम। बहुत ही बारीकी समझेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा ही आपको इनकरेक्ट सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये गलत बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझेंगे क्यों, क्योंकि ये कंपैरिजन हो रहा है और किसके बीच में हो रहा है कंपैरिजन? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों सब्जेक्ट हैं। देखें इसको एक नई स्लाइड के माध्यम से हम समझ लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। समझते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि एज और देन के बाद हम कभी कभी सब्जेक्टिव का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव मतलब आई, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस, या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एज और देन के बाद कर सकते हैं। किस स्थिति में इनका उपयोग कर सकते हैं? देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन, अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, मी एंड आई, ठीक है। यहां पर दो ऑप्शन क्या है? मी एंड आई। अब आपको पहचानना है कि यहां पर मी का यूज करें
या फिर आई का यूज करें, मी का यूज करें या फिर आई का यूज करेंगे? क्या करेंगे भैया? वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है मेरे से अच्छी या मेरे से ज्यादा अच्छे से अंग्रेजी बोलता है। इट मीन्स यहां पर इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हम कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो सब्जेक्ट के बीच में। किसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं? दो सब्जेक्ट के बीच में, अर्थात मेरे लिए भी बोलने की बात हो रही है और उसके लिए भी बोलने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों सब्जेक्ट है, हम जो ये देन के माध्यम से, बेटर देन के माध्यम से जो तुलना कर रहे हैं, ये दो किसकी कर रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट की कर रहे हैं। इसलिए अगर यहां पर ये सब्जेक्ट है, अगर यहां पर ये सब्जेक्ट है अर्थात सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहां पर भी हम सब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज करेंगे। अर्थात यहां इसका आंसर जो होगा वो आई होगा, कि ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन आई, अर्थात वो मेरे से अच्छी अंग्रेजी बोलता है। दूसरा एग्जांपल समझेंगे यहां पर, शी हेल्प्स मी बेटर देन हर। अब देखिए, इससे और आसान रहेगा आपको। राम हेल्प्स मी बेटर देन हर, राम हेल्प्स मी बेटर देन हर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर बात हो रही है कि राम मदद करता है, किसकी मदद करता है? राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है, राम मेरी मदद करता है बेटर देन से ज़्यादा। किससे ज़्यादा भैया? वो किसी और की भी मदद करता है, वो किसी और की भी मदद करता है लेकिन उससे ज़्यादा मेरी मदद करता है, वह किसी और की भी मदद करता है लेकिन उससे ज़्यादा मेरी मदद करता है। अर्थात ऐसी स्थिति में यह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक और राम के लिए ऑब्जेक्ट है, कौन? हर। तो यहाँ पर कंपेरिजन किसके बीच में हो रहा है? इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। यहाँ पर राम हमारे लिए कॉमन है, जब राम हमारे लिए कॉमन है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में देन के साथ हमने क्या लगाया? हर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि कंपैरिजन हमारे किसके बीच में हो रहा था? ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा था। लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट इंग्लिश था जिसका कोई लेना देना नहीं था, और यह कंपेरिजन जो हो रहा था वो किसके बीच में हो रहा है? दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। और दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन होने के कारण, दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन होने के कारण उसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कि एज और देन के बाद ही भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। अगर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो सब्जेक्टिव का यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम एक एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे ये हु, हुम और विस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब प्रोनाउन की बात आती है तो मोस्टली क्वेश्चन आजकल इसी में से आ रहे हैं। ठीक है, समझते हैं ये क्या है। पहली बात समझेंगे कि हु का प्रयोग, ठीक है, हु का प्रयोग सजीव के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए। यहाँ पर सजीव और निर्जीव का, निर्जीव का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सजीव का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, सजीव का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? केवल ह्यूमन बीइंग, केवल मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सजीव निर्जीव, हम उस सजीव निर्जीव की बात नहीं कर रहे हैं जो हम एग्जाम में पहले लिखते थे, हम जो डेफिनेशन पढ़ते थे कि जिसके अंदर जान होती है वो सजीव होता है, जिसके अंदर जान नहीं होती है निर्जीव होती है। ये अंग्रेजी में सजीव निर्जीव की परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है, ग्रामर में। ठीक है, यहाँ पर सजीव का तात्पर्य क्या है? हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो हु का प्रयोग हम मनुष्य के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव मतलब मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए, मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए। ठीक है, तथा देट का प्रयोग सभी के लिए। अब ये सजीव तथा निर्जीव अर्थात यहां पर किसके लिए करते हैं? सभी के लिए। सभी मतलब यहां पर ह्यूमन की भी बात हो सकती है, नॉन ह्यूमन बीइंग की भी बात हो सकती है, दोनों के लिए होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? अब इसका बहुत ही प्यारा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि आपको इसके बाद कभी हु विच या डेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना हो। समझते हैं हु विच और डेट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हु विच और दैट, हु का मीन्स, देखिए ये इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अगर यह सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, तो यहां पर हु का अर्थ होता है कौन,
या किसने, विच का अर्थ होता है कौन सा, दैट जो क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं यूज किया जाता है। हुम का अर्थ होता है किसे या फिर किसको, हुज का अर्थ होता है किसका या फिर किसके, ठीक है। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस के शुरू में अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनके अर्थ थोड़े से अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं कनेक्टर वाला। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कनेक्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कनेक्टर के टॉपिक में, कनेक्टर इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन में विच का अर्थ, ये हु का अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा जो। हु का अर्थ क्या होगा? जो। विच का अर्थ भी होगा जो, दैट का अर्थ भी होगा जो, हुम का अर्थ होगा जिसे, और हुज का अर्थ होगा जिसका, ठीक है। सर या क्या इनको ऐसे ऐसे अगर हम रट ले तो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा? जी नहीं होगा, कुछ हद तक आपको समझ में आएगा। आपको फाइनली कॉन्सेप्ट समझना क्या है, आपको यह समझना है कि हम हु का यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। विच का अर्थ हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, विच का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं तथा ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ठीक है। और दैट का अर्थ भी हम सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। हुम का अर्थ हम जो यूज़ करते हैं, जो हुम का जो यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, तथा हुज का जो यूज़ करते हैं वो पजेसिव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पजेसिव। आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? जो सब्जेक्ट का काम करने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं हु, ये किसके लिए करेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस, कौन बनेगा इसमें सब्जेक्ट? इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा केवल मनुष्य रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो कौन रहेगा? केवल मनुष्य रहेगा। मनुष्य के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहां पर हु का यूज नहीं करेंगे। यह वही लड़का है जो, अब यहां पर जो हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है, तो यह जो मेरे साथ पढ़ना मतलब जो वहां पर क्या है? सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट का कार्य करने की स्थिति में यह सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा, और यहां पर हु का यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। विच की बात जो अगर हम करें तो यह हमारे लिविंग, विच मनुष्य को छोड़कर विच का यूज हम मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए करते हैं। अर्थात जब मनुष्य की बात हो रही होगी तो ऐसी स्थिति में हम विच का यूज नहीं करते हैं मोस्टली केसेस में, ज्यादातर केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट मीन्स जो, ये सब्जेक्ट की जगह भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज होगा, मनुष्य के लिए भी यूज होगा, मनुष्य को छोड़कर भी सभी के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। हुम का यूज किसके लिए करेंगे? ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। और ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट अगर मनुष्य है तो हम हुम का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मनुष्य को छोड़कर कोई है तो हम विच का यूज करेंगे, ठीक है। पजेशन मतलब अधिकार, अरे जिसका भाई, हुज ब्रदर, जिसकी किताब, हुज कॉपी, जिसका मोबाइल, हुज मोबाइल, ठीक है। तो इस तरीके से ये पजेशन का कार्य करेगा, अधिकार बताने का कार्य करेगा। आशा करते हैं, आई होप सो कि यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स क्लियरली। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो व्हाट वाज द रूल? कि भैया सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। जैसे हाँ, हु विच तथा दैट का, हु विच तथा दैट का यूज हम उस नाउन के लिए करते हैं ठीक बाद होता है जिसके लिए इसका प्रयुक्त किया जा रहा है। जैसे दिस इज द हाउस, या वही हाउस है। ऑल हु इज अ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, थोड़ा सा इनकरेक्ट सेंटेंसेस ले लिया गया है। नेक्स्ट है, हु विच दैट के बाद
वर्ब क्या लगेगी यह इसके आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। इट इज आई हु एम। देखिए ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। इट इज आई, अगर यहां पर सब्जेक्ट आई है, अगर यहां पर सब्जेक्ट आई है तो इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो एम लगेगी। इट इट के इट इज से स्टार्ट अगर सेंटेंस हो रहा है, ध्यान रखेंगे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इट इज से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो हम इसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज आई हु एम, इट इज वी हु आर, इट इज ही हु इज, इट इज दे हु आर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हु के बाद आने वाली वर्ब का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। क्या कि इंजॉय अब्सेंट, अवेल, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, सेक्रीफाइस, सेटिस्फाई, अवॉइड, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट, एक्विट इत्यादि ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होता है। जिनके बाद एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अवश्य होता है। क्या है यह कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि शी इंट्रोड्यूस्ड, उसने अपना परिचय दिया, शी इंट्रोड्यूस्ड, उसने परिचय दिया। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सब्जेक्ट स्वयं रिफ्लेक्स होने के लिए जाएगा और लिखेंगे हरसेल्फ। ही absented, वह absent रहा अगर from the class। अब यहाँ पर कोई object नहीं है इसलिए हमें इसको क्या कह दिया, incorrect कह दिया, लेकिन हमने लिखा कि she absented। अब यहाँ पर हमारे पास suppose कोई नहीं है, कोई नहीं है तो ये ही स्वयं जाएगा reflexive और यहाँ पर use किया जाएगा himself। सर ये तो पहले से ही लिखा है, ये आपने क्यों बताया, क्या इसका औचित्य है, इसका क्या सेंस है, कहना क्या चाहते हो आखिरकार इसके माध्यम से, देखेंगे समझेंगे क्या है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑब्जेक्ट जिनमें अनिवार्य होता है, अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो वह सेंटेंस गलत माना जाता है, वह सेंटेंस गलत माना जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जैसे ही मैं लिखता हूँ यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस मेरे पास एक वर्ब है, इंट्रोड्यूस मेरे पास एक वर्ब है और यह उन वर्ब्स के अंतर्गत आती है, यह उन वर्ब्स के अंतर्गत आती है जिनके बाद एक न एक ऑब्जेक्ट अनिवार्य होता है, जिनके बाद एक न एक ऑब्जेक्ट अनिवार्य होता है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्वयं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का कार्य करने के लिए जाना पड़ेगा, तो स्वयं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का कार्य करने के लिए जाना पड़ेगा। और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करने के लिए जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, हमने नहीं पढ़ा है, हमको समझ में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स जो वर्ब में हम सेल्फ लगा करके बनाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाती है। जैसे आई का होगा माय सेल्फ, आई के लिए हम लिखते हैं माय सेल्फ, वी के लिए लिखते हैं आवर सेल्स। सर यहां पर आपने सेल्फ लिखा, यहां पर वी ई एस क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि मैं अकेला था इसलिए सेल्फ था, और वी यानी हम एक से अधिक हो गए और एक से अधिक जब हो जाते हैं तो वर्ब जिसके लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है उसे वी ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, उसे वी ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा सेल्फ का सेल्स। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई का माई सेल्फ हो जाएगा, वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, यू के लिए होगा यूअर सेल्फ भी हो सकता है क्योंकि एक सामने वाला एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, इसलिए यूअर सेल्स हो गया। इसके बाद होगा दे के लिए हम यूज करेंगे देम सेल्स,
ही के लिए यूज करेंगे, हिमसेल्फ शी के लिए यूज करेंगे, हरसेल्फ ठीक है, शी के लिए हम यूज करेंगे हरसेल्फ, इट के लिए यूज करेंगे इटसेल्फ। सर हमें भी, हमें एक और कंफ्यूजन अभी बचा हुआ है, क्या कंफ्यूजन है मित्रों बोलो। सर यहां पर आपने बोला कि अगर सब्जेक्ट है आई है तो आप लगा देंगे माई सेल्फ, अगर सब्जेक्ट वी है तो हम इस वर्ब के बाद लगा देंगे आवर सेल्स, अगर यू है तो यूअर सेल्फ लगा देंगे, दे है तो देम सेल्फ लगा देंगे, ही है तो हिमसेल्फ लगा देंगे, शी है तो हर सेल्फ लगा देंगे, इट है तो इटसेल्फ लगा देंगे। लेकिन सर हमें एक बात बताइए, एक बात हमें सर बताइए कि अगर यहां पर सब्जेक्ट, यहां पर अगर सब्जेक्ट स्नेहा अगर आ जाता है, अगर यहां पर सब्जेक्ट स्नेहा है तो ऐसी स्थिति में हम इनमें से किसका यूज करेंगे। तो ध्यान रखना स्नेहा एक गर्ल का नाम है और ऐसी स्थिति में हरसेल्फ का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, हरसेल्फ का यूज किया जाएगा। गेटिंग कॉन्सेप्ट ठीक है। तो यहां पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, अगर यह लड़की का नाम है तो हरसेल्फ हो जाएगा, अगर बॉय का नेम है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। अगर यहां पर मान लो कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देमसेल्स, तो ये प्लूरल की बात हो गई और प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे देमसेल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर सिंगुलर की बात हो रही है, लड़के की बात है तो हिमसेल्फ, लड़की की बात है तो हरसेल्फ, नॉन लिविंग की बात है तो इटसेल्फ, तथा अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो देमसेल्स का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ठीक है। बात हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सर क्या यह इंट्रोड्यूस के साथ ही इस तरीके से करना है? जी नहीं फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ वर्ब्स दे रखे हैं तो उन वर्ब्स में सभी के साथ हमको यूज करना है। सर ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ हमें यह रूल अप्लाई करना है? There is a little technical mistake. Okay, so we were discussing that some verbs are there with whom we use reflexive pronoun. Next है distributive pronoun. हाँ reciprocal. देखिए reciprocal का जो concept है वो हमने पहले ही समझ लिया था। reciprocal के अंतर्गत क्या है? reciprocal के अंतर्गत है each other ठीक है और वन अनादर ठीक है। इच अदर और वन अनादर, ध्यान रखना ये इच अदर और वन अदर अनादर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ निकलता है आपस में, इसका अर्थ क्या होता है? आपस में। अगर दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं, अगर दो लोग आपस में किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं तो दो लोगों के लिए हम यूज करते हैं इच अदर। दो के लिए यूज क्या करेंगे? इच अदर। और अगर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही है और वहां पर वर्ड यूज किया जा रहा है आपस में, तो ऐसी स्थिति में हम वन अनादर का यूज करेंगे। ऐसी स्थिति में हम वन अनादर का यूज करेंगे। तो दो के लिए क्या होगा? ईच अदर का यूज किया जाएगा, तथा दो से अधिक के लिए वन अनादर का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द टू गर्ल्स लव वन अनादर। टू गर्ल्स लव वन अनादर इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर टू गर्ल्स की बात हो रही है, यहां पर टू गर्ल्स की बात हो रही है। हमने क्या कहा है कि जब दो की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। और यहां पर क्या यूज कर लिया है? वन अनादर, जो कि इनकरेक्ट है। जब हमने ईच अदर का यूज किया तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वी ऑल लव ईच अदर, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी का अर्थ हो गया एक से अधिक की बात हो रही है, दो से अधिक की बात हो रही है, और दो से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? वन अनादर। तो जब इसमें वन अनादर हम लगाएंगे तब ये करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराएंगे। जैसे टू बॉयज हैं, टू बॉयज में से प्रत्येक ईच ठीक है, फाइव बॉयज में से प्रत्येक ईच। तो दो या दो से अधिक में से एक का बोध करा रहे हैं, ऐसी प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं ठीक है।
ईच एवरी, ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का भी यूज किया जाता है, जबकि दो व्यक्तियों में से एक भी नहीं का बोध कराना हो तो नाइदर का यूज किया जाएगा। ठीक है, आइदर का अर्थ क्या होगा, दो में से कोई एक, नाइदर में से दो में से कोई नहीं। ठीक है, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज कम टू मी, दो में से कोई एक, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज हेल्प्ड मी, नाइदर मतलब दो में से किसी ने नहीं, दो में से किसी एक ने हेल्प करी तो क्या यूज किया जाएगा, आइदर, और दो में से किसी ने नहीं हेल्प करी तो क्या यूज किया जाएगा, नाइदर। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती है, जिसमें बॉडी और वन से बने प्रोनाउन समबडी समवन एनीवन एनीबडी, ठीक है, एनीथिंग, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, देयर का प्रयोग नहीं होता है, जबकि हीज और हर का यूज किया जाता है। क्या है कॉन्सेप्ट, नहीं समझ में आया सर, अरे भैया समझिए इसको, सिंपल सी बात है, क्या ये बात क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जिसको हम पहचानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोई, क्या यूज करते हैं, कोई, और क्या यूज करेंगे, किसी ने, ठीक है, तो कोई और किसी ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन, नॉन लिविंग की बात करेंगे तो एनीथिंग, समथिंग, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, कौन से प्रोनाउन है, इनडेफिनेट, ये फिक्स नहीं है, हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि निश्चित किसी की बात नहीं हो रही है, अरे भाई कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है मतलब क्या हम पहचान ही नहीं पा रहे ना कौन आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या समझते हैं इनको, और इनके साथ प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे कि भैया कोई आ रहा है उसने, कोई आ रहा है उसने, अब तो उसने एक की बात हो रही है कि एक से अधिक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो एक की बात होगी तो क्या यूज करेंगे, अगर लड़के की बात हो रही तो हिज यूज करेंगे, लड़की की बात कर रही हो, अगर उपयोग हो रहा है तो हर का यूज करेंगे। ठीक है, अर्थात अगर मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं तो हिज और फेमिनाइन के लिए हर का यूज करेंगे। सर या देयर का यूज, अरे देयर का यूज नहीं करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, किसी एक की हो रही है, एनीबॉडी समबडी समवन एनीवन एनीथिंग समथिंग, ये किसकी बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है, एनीथिंग में किसकी बात हो रही है, नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, हिज और हर का यूज करेंगे, देयर का यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी शुड डू देयर ड्यूटी, हर किसी को उनकी काम करने का जाए, भाई हर किसी को अपना काम करना चाहिए, तो एवरीबॉडी शुड डू हिज वर्क, अगर बॉय की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, गर्ल की बात हो रही तो हर, ठीक है, समवन हैज डन देयर, अरे किसी एक ने देयर उनका काम है, तो समवन हैज डन हिज ड्यूटी, ठीक है, तो इस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, डेमो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है, जो डेमो देने का कार्य करता है, जिनके माध्यम से हम डेमो देने का कार्य करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो इसके लिए हम शुरुआती स्तर पर जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। क्या होती है सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अरे भैया डेमोन्स्ट्रेटिव सिंपल है, डी एच आई एस धीस का मतलब क्या होता है, यह, कितनों के लिए यूज किया जाता है, एक के लिए, पास की दूर, पास की कोई एक वस्तु के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, धीस का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है, टी एच ए टी देट, टी एच ए टी देट, देट मीन्स क्या होता है, वह, देट मीन्स क्या होता है, वह, ये कितनी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग करेंगे, एक, सर पास की दूर, दूर की एक वस्तु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देट का यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यह मार्कर है तो धीस इज मार्कर, वह वॉच है तो देट इज वॉच, समझ में आ रहा है, पास की एक वस्तु है तो हमने क्या बोल दिया कि धीस इज डिजिटल बोर्ड, धीस इज डिजिटल बोर्ड, अर्थात ये पास की एक चीज है, और दूर की कोई एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि वह पंखा है, दैट इज फैन, वह एसी है, दैट इज एसी, बात समझ में आ रही है, तो यह सिंगुलर के लिए। सर इसमें हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे कि प्लूरल, सर हमारे सामने अगर ऑप्शन आ गया कि इज लगाओ या आर लगाओ तो हम क्या लगाएंगे, अरे भैया ये एक की बात कर रहे हैं, इज लगा देना आंख बंद करके, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, इसी तरीके से टी एच ई एस ई दीज मतलब होता है ये कितने लोगों के लिए यूज किया जाता है, एक से अधिक के लिए, कितने लोगों के लिए, एक से अधिक के लिए, ठीक है, इसके साथ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, अरे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, ओ टी एच ओ एस ई दोज, टी एच ओ एस ई दोज, ये की जगह क्या हो जाएगा, वो, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी बात तो एक से अधिक की करेंगे, लेकिन सर अंतर फिर क्या आ रहा है, ऊपर वाले में भी आपने
इसमें बोला एक से अधिक, इसमें भी बोला एक से अधिक, अरे भैया यह अंतर तो है ही, साथ में एक विशेष अंतर है जिसके कारण ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या है कि पास की अगर एक वस्तु को रिप्रेजेंट कर, एक से अधिक को रिप्रेजेंट करना है तो दीज का यूज करेंगे, और दूर की एक से अधिक वस्तुओं को रिप्रेजेंट करना है तो दोज का यूज करेंगे, दोज का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ गई, नेक्स्ट समझते हैं। देर तथा दोष का प्रयोग दूर की व्यक्ति वस्तु को यूज किया जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। नेक्स्ट इंटरोगेट, इंटरोगेट मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना है। जब भी हमको प्रश्न पूछना पड़े और हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, अरे सर प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन का यूज, ये हमको बात समझ में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भैया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने किसी को, आपको किसी का नाम जानना है, आप नाम जानने डायरेक्ट तो आपको नाम नहीं पता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो नाम की जगह पर आपने क्या यूज किया, क्या, नाम की जगह आपने क्या यूज किया, क्या। अब ये नाम की जगह पर यूज हो रहा है, किसकी जगह पर यूज हो रहा है, नाम की जगह पर, जैसे कि मेरा नाम हिमांशु है, मेरा नाम हिमांशु है, तो मैंने लिखा माय नेम इज हिमांशु। अब मेरे को प्रश्न पूछना है तो मैं क्या पूछूंगा कि भैया आपका नाम क्या है, तो नाम की जगह पर मैंने क्या यूज किया, क्या। अब ये नाम की जगह पर यूज किया है अर्थात नाउन की जगह पर यूज किया गया है, और नाउन की जगह पर यूज किए जाने के कारण ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। नाम की जगह पर यूज किए जाने के कारण ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो प्रोनाउन मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्यों, क्योंकि यह प्रश्न पूछेगा और ये नाम की जगह पर उपयोग किया जाएगा, ठीक है। नाम की जगह पर प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। कौन कौन से वर्ड आते हैं, अरे उसमें आते हैं हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, ये दोनों एडजेक्टिव में भी यूज किया जाता है, ठीक है। हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे, विच मीन्स कौन सा, ठीक है, ये एडजेक्टिव में भी आता है, ये भी समझ में आया। विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अरे भैया व्यक्ति के बारे में पता करना है, वस्तु के बारे में पता करना है, दोनों के लिए होता है, चुनाव के सेंस में व्यक्ति के लिए होता है, जैसे विच ऑफ दीज पिक्चर्स, ठीक है, विच ऑफ यू हैज डन दीज। नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि हुम का यूज हम किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए, हुम का यूज हम ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए करते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो क्या होगा, बाय हुम किसके द्वारा, विथ हुम किसके साथ, विदाउट हुम किसके बिना, ठीक है। आशा करते हैं, आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए रह सकते हैं। अगर आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स में पढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हैं, मास स्टडी करके हमारा एक आपको ऐप मिल जाएगा। सर ये ऐप कहाँ पर मिलेगा, ये ऐप अगर आप ओएस यूज़र हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, या फिर आप एप्पल आईफोन यूज़र हैं, तो आप दोनों जगह इसको प्राप्त कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मास स्टडी ऐप, और वहां पर आप जैसे सर्च करेंगे मास स्टडी ऐप तो आपको कुछ इस तरीके का लोगो दिखाई देगा, वह उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे अलग अलग कोर्सेस की जानकारी मिलेगी। हमारे पास कई प्रकार के कोर्सेस हैं जिसमें आपको बेस्ट स्पोकन बैच मिल सकती है, एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच मिल सकती है, आपको पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, अगर आप कहीं पर विदेश में रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, या कहीं पर भी इन इंडिया आप रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमने क्लासेस जाकर के ज्वाइन करके देख लिए लेकिन हमारी लैंग्वेज में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे पर्सनल ट्यूटर। किस तरीके का ट्यूटर, पर्सनल, जहां पर वो केवल आपको सुनेगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, वन बाय वन इंटरेक्शन होगा और आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम को बारीकी से सॉल्व किया जाएगा और आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश में और बेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी इस बुक को परचेस कर सकते हैं जो कि सर के गाइडेंस में बनाई गई है और बहुत ही प्यारी बुक है। इसमें सारी चीजों को हमने मेंशन करने की कोशिश की है, तो आप ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का एक बुक है, इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं।
हमने किड्स के लिए भी एक अलग से क्लासेस बनाई है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं। प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी वोकेब बूस्ट नहीं हो रही है तो अब हमारे लिए आपके लिए वोकेब बूस्टर का कोर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश वोकेबुलरी है, डेली यूज़ के सेंटेंसेस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, और ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जिसमें कंप्लीट ग्रामर हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसमें सारी एग्जाम्स लगभग कवर्ड होती है, टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट दिया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है। 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता है हमारे द्वारा, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, बेसिक टू एडवांस ग्रामर मिलेगी। सर हमको नहीं समझ में आया क्या, अरे तो भैया सिंपल सी बात है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कीजिए, आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से किया जा सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। तो आशा करते हैं, आई होप सो कि यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स क्लियरली, एंड दैट्स all the things for today's class, and if you can join our mass study, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमको समझ में आया, हमें थोड़ी बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, क्यों, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद तक पहुँच सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कहीं आप छूट न जाए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, थैंक यू।